नमोऽन्तानं सिद्धानं नमायां नमो वज्रायानं नमोलोये सर्वसाधुनं येषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेऽस्मिन् परमं भवै मङ्गलम् जय हे जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाभो जगबंधो जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः धर्मलाभ भगवत आशीर्वाद सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्ववाद की इस 116वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने कर्म के संबंध पर ही चर्चा करते हुए ये देखा कि आत्मा का जो अनुत्पन्न अविनाशीपना और अस्तित्वपने की सिद्धि की थी, जिसमें हमने द्रव अस्तित्वपने के अंदर दो भेद देखे थे, द्रवगत अस्तित्व और कालिक अस्तित्व। आत्मा को कालिक अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है, उसको द्रव्यगत अस्तित्व के रूप में लिया है, और जो द्रव्यगत अस्तित्व होता है वह अनुत्पन्न और अविनाशी होता है। फिर ये चीज देखी कि जो अनुत्पन्न है होता है वह अविनाशी होता है, और जो अविनाशी होता है वह अनुत्पन्न होता है। आत्मा कैसा है? आत्मा अविनाशी है। और एक चीज और हमने देखी थी कि जो आत्मा अविनाशी है तो वो कैसी है? अनुत्पन्न भी है, उत्पन्न होने वाली नहीं है। साथ साथ में हमने ये चीज देखी कि जो अनादि अनंत होता है वह अविनाशी और अनुत्पन्न होता है, और जो अविनाशी और अनुत्पन्न होता है वह अनादि अनंत होता है। फिर इसके साथ साथ ये चीज देखी कि जो सानुत्पन्न और सविनाशी होता है वह कैसा होता है? सादी सांद होता है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जानी थी। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है, जिन पदार्थों के बारे में हम विचार कर रहे हैं तो हमको ये ख्याल आना चाहिए कि आखिर कर्म 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 है क्या? कर्म प्रक्रिया थोड़ी समझ लीजिए। मैंने यहाँ लिखा है दूध और इधर लिखा है घी। अब आप ये बताइए कि दूध घी है या घी दूध है? बोलिए नीति बहन। हमारे साथ दोनों ही है, दूध घी है, लेकिन घी दूध नहीं है। दूध में घी बन सकता है? मैं आपके इधर उधर की बात मत करिए, मैंने एक ही शब्द बीच में डाला है, मैं वगैरह कुछ मत पूछ। अभी दूध घी है या घी दूध है? आटा रोटी है या रोटी आटा है? ज्यादा शब्द नहीं जोड़ना है, आप इधर उधर के शब्द नहीं मिलाएंगे। इसी तरह से मैंने लिखा है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये कर्म है या कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है? अब इसीलिए आपके घर का एग्जाम्पल है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये बात भी निश्चित है, दूध घी नहीं है, घी दूध नहीं है, आटा रोटी नहीं है, रोटी आटा नहीं है, कार्मण वर्गना कर्म नहीं है, कर्म कार्मण वर्गना नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? ये क्या बता रहे हैं अंदर? एक प्रोसेस चाहिए, एक प्रक्रिया चाहिए। अब आप आगे बोलिए, जब प्रोसेस की बात आई तब आप बोलिए दूध में से घी बनेगा, घी में से वापिस दूध नहीं बनेगा, आटे में से रोटी बनेगी, ये भी बात सही है, रोटी में से वापिस आटा बनेगा, कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु में से कर्म बनेंगे, कर्म
मैं क्या है, कर्म बना है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकेले ही अपने आप कर्म बन नहीं जाता है। पहले ये बात समझिए, बिना बिन आप बहुत दिनों से आए हैं, कोशिश करिए समझने की, देखिए। चलिए ये बात समझ में आ गई तो ये मुझे कहना है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है ये है पूरे जगत के अंदर। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है और ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चौदह राज लोक में सर्वत्र है। अब आप ये देखिए कि सब जगह पर विश्व के एक एक कोने में है कार्बन वर्गना ये पुद्गल के परमाणु सर्वत्र है। क्या कह रहे हैं महावीर स्वामी, क्या कह रहे हैं, आप एक सुई का अग्र भाग भी स्पर्श करो इतना क्षेत्र भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बिना का लोक में नहीं है। बोलिए विपुल जी, बोलेंगे कार्बन वर्गना का एक भी परमाणु। प्रमोद जी बोलिए, ध्यान से सुना है तो बोलिए, बीपी बिना बेन बोलिए नहीं। चलो हाँ जी, राहुल जी बोलिए नहीं। चलिए कार्बन वर्गना चौदह राज लोक में सुई के नोक की जगह जितनी भी खाली नहीं है जहाँ कार्बन वर्गना के पुद्गल ना हो ना। बराबर है, मतलब क्या हुआ, चौदह राज लोक के अंदर बात सब शास्त्र में तो ऐसा शब्द यहाँ तक आया है कि काजल की डब्बी के अंदर काजल जैसे भरी हुई है इतने सॉलिड घन स्वरूप में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। अरे ख्याल में आपको, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ये है चौदह, ये पूरा लोक है और ये पूरे लोक के अंदर ये जो है उसके आकाश प्रदेश। अब आप देखिए इतने आकाश प्रदेश के ऊपर जो है ये एक प्रदेश भी जो आपको दिख रहा है, इस एक प्रदेश के ऊपर भी यहाँ पर भी आपको देखने पर लगेगा एक एक प्रदेश पर आठों वर्गना है। औदारिक भी है, वैक्रिय भी है, आहारक भी है, श्वासोश्वास भी है, भाषा के भी है, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु है, तेजो वर्गना के पुद्गल परमाणु है, कार्मण वर्गना है। दूसरी तरफ एक एक प्रदेश पर आत्मा भी अनंत है। अब आप सोच लो समझे कि कार्बन वर्गना के होने मात्र से कर्म बन जाता है ऐसा नहीं है। बोलिए अब नीति बिना बोलते जाइए, बाद में लिखना, ये आप पहले समझेंगे ख्याल आ जाएगा। चौदह राज लोक में सर्वत्र है, एक प्रदेश खाली नहीं है, एक सुई के अग्र भाग का, इसलिए ये शब्द लिया गया, नॉट ए वन सिंगल प्रदेश ऑफ द होल आकाश which is absolutely empty without the having carbon vargana ke atom। अब नहीं है एक भी प्रदेश, पूरे लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्य है और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो अनंत अनंत है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है, आठों वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ये सब, रहना तो लोकाकाश में ही है। लोकाकाश है कितना सीमित है, लिमिटेड है, कितना है, चौदह राज लोक है। अलोकाकाश अनंत है, अलोकाकाश, लेकिन अलोकाकाश में तो एक भी परमाणु नहीं होता है, एक भी जीवात्मा नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब लोकाकाश में यहाँ पर अनंत सिद्ध आत्मा है, अभी अनंत सिद्ध आत्मा है, उनके साथ ही यहाँ पर भी ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु वहां पर भी अनंत है। होने मात्र से डरने की कोई जरूर नहीं है, होने मात्र से जो है सब कोई जो है कर्म बन जाते हैं क्या, नहीं। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवंत, पूरे चौदह राज लोक में जितने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है वे कर्म रूप में परिणत हुए कि नहीं हुए,
पहले प्रश्न बताइए, क्या समझ में आ रहा है? विपुल भाई आप प्रश्न बोल के समझ के बोलना। कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु है या नहीं? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले विभावन बरोबर समझ के शब्द मत छोड़िए। आज हम सिमंदर स्वामी से पूछे कि कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु सभी कर्म में परिणित होते हैं कि नहीं? जितने कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु हैं सभी कर्म रूप में परिणत हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देंगे? एक एक कार्मण वर्गना का पुद्गल परमाणु अनंत अनंत बार कर्म के रूप में परिवर्तित हो चुका है। दूसरी तरफ प्रत्येक परमाणु अपने आप में त्रैकालिक अस्तित्व वाला ही है। अनंता अनंत काल में एक भी परमाणु का सर्वथा लोप नाश या अभाव कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। तो क्या होने वाला है? सिर्फ पर्याय का परिवर्तन होने वाला है, सिर्फ पर्याय का परिवर्तन। तो अनंत अनंत बार कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत आत्माएं ग्रहण करेंगे, बांधेंगे, कर्म बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर वही पुद्गल परमाणु बिखर जाएंगे, फिर ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इधर परमाणु नष्ट नहीं होने वाले हैं, इधर आत्मा भी नष्ट नहीं होने वाली है। इधर आत्मा भी त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व वाली है, इधर कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु पितृकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व वाले, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? अब है किस बात का? संयोग वियोग का निमित्त है, प्रक्रिया का निमित्त है। हम कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु को कर्म का रॉ मटेरियल कहेंगे पर कर्म नहीं कहेंगे। मीना बेन बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ऑल दिस टाइप्स ऑफ कार्मिक एटम्स, दीज आर जस्ट लाइक द रॉ मटेरियल फॉर द कर्म, बट दे आर नॉट एज ए कर्म। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब जब ये कर्म बनेंगे तो यही बनने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं बनेगा। इधर ये भी देखिए, पूरे लोक के अंदर 14 राज लोक में जब भी कर्म बनेगा तब कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु से ही कर्म बनेगा, अन्य किसी से कर्म नहीं बनेगा। पूरे जगत के अंदर जब भी घी बनेगा तो वो दूध में से ही बनेगा, पानी में से नहीं बनेगा। लेकिन सभी दूध घी नहीं बन जाता है, बच्चे दूध पी लेंगे ना, कुछ लोग दूध पी लेंगे, दूध की ही पर्याय बदल जाएंगे, कुछ दूध की चाय बन जाएगी, दूध के पर्याय बदल जाएगी, दूध में से दही बन जाएगा, कुछ दूध में से पनीर बन जाएगा, कोई छाछ ही पी लेंगे। लास्ट में जब कोई घी बनाने की प्रोसेस करेगा तब घी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कर्म कैसे बने हैं? अरे रोटी बनी कैसे है? रोटी आटे में से ही बनी है, बिना आटे के रोटी नहीं बन सकती है। सीमेंट का भी पाउडर है लेकिन सीमेंट के पाउडर से रोटी नहीं बनती है। सब बनेगी तो गेहूं के आटे की रोटी बनेगी, ज्वारी के आटे की रोटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु 14 राज लोक में सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब प्रत्येक प्रदेशों पर है। थोड़ा माता जी ध्यान से शब्द बोलना। लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही है और कार्मण वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है। आखिर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे सब? और मात्र कार्मण वर्गना के ही पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है ऐसा नहीं, आठों ही वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत अनंत। मतलब क्या हुआ? एक एक आकाश प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणुओं का निवास हुआ। अब ये बात जड़ की होते हुए अगर समझ में आ सकती है तो जितने लोकाकाश के प्रदेश है, जितने धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, जितने अधर्मास्तिकाय के प्रदेश है, उतने ही असंख्य आत्मा के प्रदेश।
माता जी बोलिए, पहले समझ के शब्द बोलना है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं, जितने अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं, उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं, और एक एक प्रदेश पर अनंतानंत कार्मन वर्गना और सारे आठों वर्गनाओं के उद्गल परमाणु है। अब एक आकाश प्रदेश पर अनंत वर्गनाएं रह सकती है, तो एक आत्म प्रदेश पर अनंत कार्मण वर्गना क्यों नहीं रह सकता? अरे ये बात समझ में थोड़ी तकलीफ होगी चोरडिया जी समझने में। आपको लग रहा है सीधा साधा है कर्म सिद्धांत, लेकिन ये तो द्रव्यानुयोग का, जब भी कोई बात मेटाफिजिक्स में फिजिक्स में जाएगी तो वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, बहुत कठिन हो जाती है। कठिन होना कुछ नहीं है, दिमाग में बात बैठनी तो चाहिए ना। इधर देखिए, चौदह राज लोक तो इतना ही है ना, चौदह राज लोक का प्रमाण इतना ही है, असंख्य प्रदेशात्मक ही प्रमाण है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। अनंत 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 काल में भी कोई भी तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ आएंगे वो इस स्टेटमेंट को नहीं बदल सकते हैं। लोक के अंदर अनंत अनंत काल में भी आकाश प्रदेश अनंत नहीं होंगे, असंख्य ही रहेंगे। लोक के बाहर भी आकाश है तो वहाँ अनंत रहेंगे, लेकिन वहाँ कोई परमाणु नहीं रहता है, कोई आत्मा भी नहीं रहती है। इधर बात ये हो गई कि आकाश के प्रदेश असंख्य है और एक एक वर्गणा के परमाणु अनंत है, ऐसी आठ वर्गणा है, आठवां वर्गणा के परमाणु अनंत है। तो अब आठ का अनंत के साथ गुणाकार करिए कितने परमाणु, तो एक आकाश प्रदेश पर कितने परमाणु रहेंगे, किसके किसके कितने परमाणु रहेंगे, और वहां पर आत्मा भी रहेगी कि नहीं रहेगी। आत्माएं कितनी है संसार में, अनंत अनंत आत्माएं है सब, उनको कहाँ रहना है, उनको रहने के लिए कहाँ जगह है। आपका एक डिब्बा है और एक डिब्बे के अंदर गेहूं का आटा भरा जाए, मैदा भरा जाए, कितने हो गए उसके परमाणु, अलग अलग करके डिवाइड करके गिनती करिए, आपको आश्चर्य लगेगा कितने परमाणु। अब ये तो आटे का डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर अगर अनंत परमाणु होते हैं तो इससे भी बिल्कुल सूक्ष्म कक्षा के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर छा जाते हैं, तब कर्म बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। मैं पहले क्या कह चुका हूँ, कार्बन वर्गना अपने आप कर्म नहीं है, कार्बन वर्गना होने मात्र से कर्म बन जाती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी कर्म बनेगी तो कार्बन वर्गना से ही बने। तो रॉ मटेरियल होना जरूरी है कि नहीं है, अनिवार्य आ गई बात, अनिवार्य आ गई। रॉ मटेरियल का होना नितांत आवश्यक, बिना रॉ मटेरियल के नहीं होगा। नंबर दो, जब रॉ मटेरियल तैयार है तो उसको कर्म बनाता कौन है? दूध में से घी बनने की एक प्रक्रिया है, कोई बनाएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूध दूध के रूप में ही रह जाएगा, दही बनाओगे दही के रूप में ही रह जाएगा, आप मक्खन बनाओगे मक्खन के रूप में, कोई पनीर बनाएगा पनीर के पर्याय में रह जाएगा। आप जानते हो तो उसकी प्रक्रिया आगे करते रहो, बनाते जाओ, बन जाएगा। बिना रॉ मटेरियल का नहीं होगा, बिना दूध के घी नहीं होगा। और आजकल दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं बिना दूध के घी बनाने की प्रक्रिया में, उसके लिए झाँक झाँक के कई प्रकार के पदार्थ लाए, यहाँ तक कि पिग फैट लाए, सुअर की चर्बी, उसको हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस के अंदर 400 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके मेल्ट करके अब उसको इस तरह से पाम ऑयल के साथ मिक्स कर दिए, हो गया कि ऐसे पदार्थों को घी संज्ञा नहीं देनी चाहिए। केमिकल डालकर डिटर्जेंट से एक बाल्टी बकेट में पानी को आपने सफेद बना दिया, उसको दूध की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही लोग दे करके फंस जाते हैं, पदार्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब क्या करना है? ये कार्बन वर्गना है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, कितने हैं संख्या में, कितने हैं? अनंत अनंत।
ये कार्मण वर्गण के पुद्गल परमाणु हैं। अब इनकी संख्या जो है वो अनंता अनंत है। चलिए साहब बोलिए क्यों अनंत अनंत है? प्रत्येक आत्मा को एक बार कर्म बांधने में अनंत कर्मण वर्गणा अनंत कर्मण वर्गणा के अनंत परमाणु को ही ग्रहण करना पड़ता है, बिना उसके नहीं बनता है कर्म। बोलिए श्वेता बहन बोलिए, कोशिश तो करिए ना। बिना बहन बोलिए, चलो ठीक है राहुल जी बोलिए। आप भी जल्दी नहीं करते हो फिर टाइम जाता है। ઈચ આત્મા બાઇન્ડ્સ અનંત પરમાણુ વન્સ ઇટ ગ્રહણ કરીને પછી કર્મ બનાવે છે, એક એક આત્મા અનંત પરમાણુ ગ્રહણ કરે છે અને કર્મ પૂરા શબ્દ અનંત પુદ્ગલ પરમાણુ ગ્રહણ કરી પછી કર્મ બને છે। પ્રત્યેક આત્મા કો કર્મ બાંધને કે લિયે अनंत कर्मण वर्गणा के पुद्गल लेने पड़ते हैं, इसलिए कर्मण वर्गणा के पुद्गल अनंत अनंत है। छोड़ दिया परमाणु शब्द छोड़ दिया फिर पुद्गल बोला, आपको शब्द एक भी इधर उधर नहीं करना है, बहुत बराबर माप से बोलना है, एक एक शब्द माप से बोलना है। अब ये बात कहाँ आई प्रत्येक जीव को, ध्यान सुनना छोड़िया जी, अब कैलकुलेशन करना है। संसार में जीवों की संख्या कितनी है? संसार में जीवों की संख्या अनंत अनंत है, अनंत अनंत। प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण में कर्म बांधने के लिए कर्मण वर्गणा के अनंत परमाणु ही ग्रहण करना है जी महाराज। और प्रत्येक जीव प्रति समय कर्म बांध रहे हैं, और प्रत्येक जीव प्रति समय सात कर्म बांध रहे हैं। प्रत्येक बार में प्रत्येक जीव को अनंत वर्गणा अनंत परमाणु कर्मण वर्गणा के ही ग्रहण करने पड़ेंगे। बिना आटे के रोटी नहीं बनेगी, बिना कर्मण वर्गणा के कर्म नहीं बनेगा। लेकिन आटा डब्बे में पड़ा हुआ अपने आप रोटी नहीं बन जाएगा, दूध पड़ा हुआ अपने आप में घी नहीं बन जाएगा, कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु अपने आप में कभी भी स्वयं होकर कर्म बन नहीं जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आटे की रोटी बनाने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता है। दूध में से घी बनाने के लिए कोई जानकार कर्ता की आवश्यकता है। कर्मण वर्गणा में से कर्म बनाने के लिए किसी कर्ता की अनिवार्य आवश्यकता है। तो वो कर्ता कौन है? आकाश बना नहीं सकता है कर्म, धर्मास्तिकाय कर्म बना ही नहीं सकता है, अधर्मास्तिकाय कर्म बना ही नहीं सकता है, पुद्गल अपने आप कोई कर्म बना ही नहीं सकता है साहब, तो कौन बनाएगा? अब एक ही तो बचा है, एक ही बचा है राकेश भाई, कौन है कर्ता? कौन है कर्म? कर्मण वर्गणा कर्ता नहीं है, कर्मण वर्गणा साधन है, रॉ मटेरियल है। और क्या मालूम कर्मण वर्गणा जो रॉ मटेरियल के रूप में, उसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वही आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलो नवीन भाई, ये जो आप देख रहे हो बीच में जो है वो है चेतन आत्मा। अब किसको क्रिया करनी है? कर्ता कौन है? सिर्फ आत्मा है, आत्मा ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जानकार ने दूध में से प्रक्रिया करके घी बनाया, दूध को जमाया, दही बनाया, दही को जमाया, छाछ बनी, छाछ को मंथन किया, मक्खन निकला, मक्खन को तपाया, तपाया तब घी बना, एक प्रक्रिया है। इधर कोई करता वो इस प्रक्रिया को करे तभी जाकर के कर्म बन सकता है, नहीं तो नहीं बने। करता जो है उसको क्रिया करनी है,
अब बात ये है, अपने से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला ऐसा पदार्थ उसको आत्मा क्यों ग्रहण करे? मेरे आत्मा से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला ये कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, और ये अगर मैंने गलती की और मैंने बांध कर लिया और मेरे ऊपर बंद करके एक लेयर बन गया तो नुकसान मेरा ही होने वाला है। कोई व्यापारी देखते हुए अपना नुकसान कुछ बिजनेस में करेगा क्या? कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी ऐसा बिजनेस कौन करेगा भाई साहब? अपना ही नुकसान कौन करेगा? सोचिए आप अपनी तरह से, अपने आप कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु कर्म बन नहीं जाएंगे। आत्मा है तो कर्म है कि कर्म है तो आत्मा है? आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, ऐसा क्या है? नहीं, चलो नवीन भाई बोलेंगे। विकार भाव आत्मा में हो तो कर्म होते, नहीं तो नहीं। अरे पर क्यों करे आत्मा ऐसी गलती? अज्ञान क्यों गलती क्यों करे आत्मा? मेरा नुकसान इसी कर्म से होगा, मेरा शत्रु यही कर्म है, यही कर्म आकर के आत्मा के गुणों को ढक देगा, यही कर्म आत्मा के गुणों को अंश मात्र भी प्रकट होने नहीं देगा। जो भी आप आत्मा के गुण प्रकट होंगे उनको यही कर्म विपरीत और विकृत भाव में प्रकट होने देगा। मैंने अभी आपको कहा है कि पुद्गल द्रव्य होने के कारण ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अपने आप में निर्जीव है, अजीव है, जड़ है, और जड़ में ऐसा कर्तृत्व भाव नहीं है। आप ये सोचिए कि भाई हाँ साहब गति कर लेगा, अरे गति करने से क्या होता है? यहाँ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कोई गति करने से कर्म नहीं बन रहे आत्मा के साथ, नहीं। क्यों गलती कर रहा है आत्मा? क्यों कर्म बांध रहा है? और आत्मा न बांधे तो कर्म बन ही नहीं सकता है। आकाश जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में परिणत नहीं करती है। धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है ये कभी आत्मा ये कभी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म रूप में बना ही नहीं सकती है। नहीं तो आज दिन तक के सब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कर्म बन चुके होते, एक भी परमाणु संसार के अंदर रहता नहीं, एक भी परमाणु कोई स्वतंत्र रूप से संसार में अलग से रहता ही नहीं। लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा। महावीर अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन से देख करके शब्द स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार का 14 लोक का प्रत्येक कार्बन वर्गना का पुद्गल परमाणु अनंत अनंत बार कर्म के रूप में पर्याय परिवर्तन कर चुका है। चोरडिया जी बरोबर शब्द बोलना, इधर उधर छोड़ना मत। आपने फरमाया महाराज, भगवान महावीर ने फरमाया कि 14 के प्रत्येक परमाणु अनंत अनंत बार कर्म के रूप में पर्याय परिणत कर चुका है। कार्बन वर्गना के, आप शब्द मत छोड़िए, कार्बन वर्गना के परमाणु, आप जनरल सेंस में बोलेंगे ना तो सब आ जाएंगे। आप जनरल सेंस लेंगे तो दूसरे भी पुद्गल परमाणु बहुत है। सही बात, 8 के पुद्गल परमाणु का ग्रुप है, ये 8 के समूह है, और इन 8 के समूह में 8वें नंबर का कार्बन वर्गना का पुद्गल परमाणु है। बोलिए प्रमोद जी, अंसाबेन, कार्बन वर्गना नो 8मो छेल्लो नंबर शा माटे छे? सूक्ष्म छे, बधा जे बीजी वर्गनाओ छे एना करता अति सूक्ष्म छे। बहुत सरस, वेरी गुड। चलो अब ये आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, कितने वर्गणा है देख ली मैंने, एक एक अक्षर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। अब ये जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, इससे छोटे सूक्ष्म वैक्री है, इससे छोटे आहार के, इससे छोटे, इससे छोटे। अब इस क्रम के अंदर आप चलते आइए, बिल्कुल लास्ट नंबर के सूक्ष्मतम परमाणु है वो कार्बन वर्गणा के हैं। अब इससे ज्यादा सूक्ष्मतम परमाणु दूसरा कोई होता ही नहीं।
ध्यान से समझिए। अब ये आत्मा इन अनंत सूक्ष्मतम परमाणुओं को ग्रहण कर रही है। ये बड़े बड़े स्थूल है, जो स्थूल परमाणुओं का समूह होगा उससे स्थूल शरीर बन जाएगा, जो सूक्ष्मतम कार्बन वर्गना के परमाणु उससे सूक्ष्म कर्म ही बनेगा। इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से कभी कर्म बनता ही नहीं है। चला ये तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु से, ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, अब एकमात्र इसी से कर्म बनेगा। कर्म जो बनेगा तो इसी से बनेगा, और किसी भी वर्गना के पुद्गल परमाणु से कर्म बनता ही नहीं है। जैन साहब बोलते जाइए आप। महाराज साहब आपने फरमाया कि कर्म जो है कार्बन वर्गना के सूक्ष्म परमाणु से ही बनता है और किसी भी परमाणु से कर्म बनता ही नहीं है। बराबर है। अब आपको ये ध्यान आएगा कि इससे क्या हो गया। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरी सब वर्गना बेकार है, निरर्थक है, देर इज नो यूज ऑफ अदर एटम ग्रुप। नहीं, सबका अपना अपना काम है, सबसे सब कुछ बनेगा। आपको रोटी बनानी है तो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से ही रोटी बनेगी, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से रोटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्या कारण है? उन परमाणु समूहों के अंदर वैसा गुण नहीं है, चले वैसा गुण नहीं है कि जो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से रोटी बन जाए, कभी नहीं बने। जो भी पदार्थ जिस रूप का आएगा, एक्शन रिएक्शन जो जिससे जिस प्रकार का होगा, साहब दूध के अंदर शक्कर डालो कोई रिएक्शन नहीं होगा, दूध के अंदर नींबू का रस डाल दोगे रिएक्शन हो जाए। दुनिया के सब पुद्गल पदार्थों को पहचानने की कोशिश करिए, सबके गुणधर्मों से सबको पहचानने की कोशिश। एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया किसमें है, परमाणुओं के अंदर एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से होती है, एक सेकंड में दूध में जैसे ही नींबू का रस मिला के दूध को, जिन पर पदार्थों से स्व के अंदर विकृति आती है वो पदार्थ फिर आपके शरीर में भी जाकर विकृति करेगा। हमको ऐसे विकृत पदार्थ नहीं लेने हैं, विकृति करे वैसे पदार्थ नहीं लेने, ये हमको अपनी तरह से समझ लेना। बस बात इतनी सी है, अगर इतना हमको बरोबर जो है ये ख्याल आ गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये तो हो गया ग्रुप ऑफ एटम, इधर देखिए ध्यान से समझना, जो भी निर्धारित है चूर्णिया जी, इनको सबको जो नाम दिया गया है ना, ये जो सबकी एक साउंड नाउन संज्ञा दी दी है, वो क्यों दी है, उनके कार्यों के हिसाब से ही उनको ये संज्ञा दी। बोलो अंसा बेन बोले। हाँ, उनको कार्यों के अनुसार जो जो वर्गनाएं है उसको, वो जो कार्य करते हैं वो कार्यों के अनुरूप उनको संज्ञा दी गई है। कार्बन हो या कोई भी हो, है तो वर्गना मतलब क्या है, परमाणु समूह, द ग्रुप ऑफ एटम्स। अब उसकी जो संख्या है जितने प्रमाण में है वो, लेकिन ये नामकरण क्यों किया है, ये संज्ञा क्यों दी है, हमने नहीं दिए, केवल भगवंतों ने दिए। और इसलिए भगवती सूत्र आदि आगम शास्त्रों के अंदर सर्वज्ञ केवली द्वारा दी हुई संज्ञा हमने नहीं दी। क्यों नहीं दी, हमने क्यों नहीं दी, केवली ने क्यों दी? उन पुद्गल परमाणु से जो कार्य होता है वह उनके ही देखने में आता है, हमारे देखने में नहीं आ रहा है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से कर्म बन रहे हैं, तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु से तेजस बन रहा है, तेज बन रहा है। ये परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, हमको तो आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, रूपी होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो केवल ज्ञानी भगवान को ही दिखाई दिए कि किससे क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है।
ये देख करके उन्होंने ये संज्ञा दे दी है, बस ये देख करके इन्होंने ये संज्ञा दी है। अब ये संज्ञा इनकी फिक्स हो गई, संज्ञा फिक्स हो गई। क्यों फिक्स हो गई? कि इनका कार्य क्षेत्र फिक्स हो गया ना। आज दिन तक जो है इनमें से दूसरा कभी कुछ बन ही नहीं सकता है, बना ही नहीं है। अनंत भूतकाल में कभी नहीं बना है, वर्तमान में अनंत अनंत काल के अंदर ये हुआ है। इसलिए जिसको जहाँ पर जो है तो चार 14 लोक में सर्वत्र है, लेकिन अब देवताओं को अपना शरीर बनाना होगा, नारकियों को बनाना होगा, तो वैक्रीय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के ही बनाएंगे। वो अवतारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के अपना शरीर नहीं बना सकते। मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, अतिरिंच गति के जीवों को जब भी शरीर बना होना होगा तो अवतारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर ही बनाएंगे। देव नारकी में भेद है, मनुष्य अतिरिंच में भेद है, हमारे संसार में भेद है, देवगति में भेद है। देवगति के अंदर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसी बात नहीं, वह भी अनंत ही है। यहाँ हमारे मनुष्य क्षेत्र के अंदर का वैक्रीय वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसी बात नहीं, अनंत है। लेकिन यहाँ पर वैक्रीय शरीर बनाने वाले कोई नहीं है, मनुष्यों के अंदर कोई नहीं बना सकता है। तो इन परमाणुओं की उपलब्धि सबसे ज्यादा वैक्रीय वर्गणा के पुद्गल परमाणु देवलोक में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे। यहाँ होते हुए हम ले नहीं सकते, बना नहीं सकते हैं। परमाणु तो 14 राजलोक में सर्वत्र है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु सिर्फ और सिर्फ संघि पंचेंद्रिय मनुष्य या जीवी बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, कोई ले ही नहीं सकता है। लेकिन श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु संसार के प्रत्येक जीव मात्र को लेना। अब आई बात किसकी? तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जीव मात्र को लेने हैं। जीव मात्र को क्यों लेने हैं? क्योंकि सबको कर्म बांध, संसार में कोई भी जीव हो और कर्म न बांधे ये हो ही नहीं सकता है। संसार में कोई भी जीव हो और कर्म न बांधे ये हो ही नहीं सकता, उसको अवश्य बांधना ही बांधना है। और बांधने के लिए कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अवश्य लेने ही लेने हैं, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मतलब नहीं, पर ये नियम नहीं टूटेगा। बोलिए विभाविन, बोलेंगे दो नियम। संसार के प्रत्येक जीवों को कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए बगैर रह ही नहीं सकता, और कर्म बांध नहीं सकता है, पहली बात, कर्म बांध नहीं सकते हैं। बोलिए नीति बहन, क्या हो गया आपको, क्यों नहीं बोलते हो? दो दो नियम बोलने में क्या तकलीफ? रिकॉर्डिंग है आपके पास, बाद में लिख लेना, अभी आप कॉन्सेंट्रेशन दीजिए ना शब्दों पर। ये जो बात यहाँ पर आई है, जिस तरह से ये नियम बन गए, परमानेंट नियम बन गए, त्रैकालिक नित्य शाश्वत नियम। नियम तो जीव आत्मा, आत्मा और पुद्गल के बीच के संबंध से नियम है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। केवल ज्ञानी को इस बात का पता चला, उनके ज्ञान में स्पष्ट जानने में आया, उनके दर्शन में, प्रत्यक्ष दर्शन में, स्पष्ट दर्शन में आया, तब जाकर के ये नियम उन्होंने जगत को बताया। ये सब स्वतंत्र वर्गणा है, ध्यान रखिए। बट द एटम विच इज कॉमन इन ऑल, नवीन भाई, एटम जो है वो सबके अंदर समान रूप में है। एटम अपनी तरफ से लेगा, निकलेगा, बिछड़ेगा तो बदलेगा, अपनी पर्याय बदलता जाएगा। आप अभी लोगे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लोगे तो कर्म बनेगा, और जब आप इसको बिखार देंगे, छोड़ देंगे, निजरा करेंगे, जब बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा? तब वो कार्बन वर्गणा नहीं रहेगा, कोई दूसरा पुद्गल परमाणु बन जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ एटम, इफ इट विल डिमोलिश टोटली देन द एटम्स विल बी चेंज बाय द ग्रुप ऑफ एटम। ये बात पहले समझिए, किसी भी वर्गणा के ग्रुप के अंदर किसी भी कार्बन या कोई भी वर्गणा हो, लेकिन जब तक उसके परमाणु उसके साथ चिपके हुए तब तक वहां पर उसी का काम होगा, बाहर दूसरों का। ये फिक्स हो गया है।
अब ऐसे कॉम्बिनेशन से उन्होंने फेविकॉल बनाया, एरोलाइन बना कि ये चिपकाने का ही काम करेगा, बस दूसरा काम नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया में फेविकॉल बने या जो भी बने बक्श है, उसका काम यही है कि बस आप इसको दो को चिपका दो, दो को जोड़ दो। तो यहाँ आत्मा के प्रदेश में ऐसा चुंबकीय तत्व जो है कि जिसके कारण आत्मा इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती और फिर उसको कर्म के रूप में बनाती, ये बात है। नहीं तो बन ही नहीं सकता है, कर्म ही नहीं बनेगा। घर में महिला अगर डब्बे में से आटा ना ले तो रोटी बन ही नहीं सकती है, बिल्कुल बनाना है। अब इस कला के अंदर माहिर जो है वो है चेतन आत्मा है। अब उसको स्वयं को ख्याल आना चाहिए, गलती उसकी है, जहां नहीं करना है तो मत करो, जहां नहीं फेंकना है मत फेंको, नहीं देना है मत दो, लेकिन आप अपनी तरह से रक्षा केंद्रित करो। ये जो विशेषता है इसके कारण हमारी बात है। आप देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कैसे चल रही है। तो ये हो गई बात अष्ट महावर्गणा, और है तो एटम है, कोई भी एटम नहीं दिखाई दे रहा है साहब, ना तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु दिख रहे हैं ना और कुछ दिख रहा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये जब वहां पर शिष्य के पास देते हैं तो ये सब वर्गणा सब अपने आप में अपना अपना कार्य करेगी। इसका कार्य ये नहीं करेगी, इसका कार्य ये नहीं करेगा, इसका कार्य ये नहीं होगा, इसका कार्य ये नहीं करेगा। सभी परमाणु हैं, कोई फर्क नहीं है, सबका परमाणु स्वरूप। लेकिन बात बिखर जाती है ना, बिगड़ जाती है। फिर ये स्थिति यहाँ पर है। अब आप समझाइए, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये आत्मा के प्रदेशों के साथ कैसे चिपक जाए और कैसे कर्म बन जाए, ये हमको यहाँ पर देखना है। आपने शक्कर डाली दूध में, दूध मीठा हुआ। आपने शक्कर चाय में डाली, चाय मीठी हो गई। आपने नमक जो है दाल में डाली, दाल घुल गई, नमक घुल गया, दाल जो है खारी बन गई। यहाँ पर ये जो है इधर, ये है बराबर एक चेतन आत्मा है। अब ये जो चेतन आत्मा है, अब इस चेतन आत्मा के अपने जो है ये प्रदेश, हाँ जी चोरडिया जी पहले ये समझिए क्या है। बिना प्रदेश समूहात्मक पिंड वाला द्रव्य आत्मा हो ही नहीं सकता है, और अगर आत्मा है तो वो अवश्य रूप में सब प्रदेशी द्रव्य ही है। अब वो दूसरे तरीके से आत्मा बन नहीं सकती। अब ये जो हमको देखना है, ये है आत्मा। मतलब क्या हुआ द्रव्य? सब प्रदेशी द्रव्य, सब प्रदेश। तो प्रदेश सहित ये जो द्रव्य है, अब इसको प्रयत्न करना है। गुण इसके अंदर है और ये बाहर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत है, ये अपनी जगह पर है साहब, ये होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जीवात्मा स्वयं होकर अंदर खींचे, चेतन आत्मा स्वयं होकर अंदर खींचे और ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर। आप चिंता मत करिए, आपके घर में बाथरूम के अंदर ऊपर से 50 माल का पानी का प्रेशर है, लेकिन आपने कॉक टाइट तरीके से बंद करके रखा है तो कोई चिंता नहीं, एक बिंदु भी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा अंदर। लेकिन अगर आप ही खोल के रखोगे तो फिर पानी फोर्स में आएगा, ये बात भी इतनी निश्चित। तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये आत्मा है। अब बताइए यहाँ पर एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है और कैसे इससे कर्म बंद हो रहा है, कर्म कैसे बन रहा है। कोई ईश्वर नहीं बना रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं बना रहा है, जो भी जीव है उसको खुद का अपना ही कर्म उसको बांधना है। किसी के बनाने से कोई कर्म नहीं बनता है।
अब इस स्थिति के अंदर ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जीवात्मा कैसे खींच खींच कर लेती है, क्यों लेती है, क्या कारण है? और ये सभी कर्म जब बन जाएंगे तो आत्मा के साथ अरि भाव में, शत्रु भाव में रहेंगे। अब शत्रु भाव में रहे हुए ये कर्म जो है आत्मा के साथ कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, आत्मा का नुकसान क्या करेंगे साथ? ये आत्मा का नुकसान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आत्मा का एक भी प्रदेश बिखर करके अलग तो कभी हो ही नहीं सकता है, अनंत काल में भी नहीं हो सकता है, संभव भी नहीं है। लेकिन आत्मा बरोबर बनी रहती है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बरोबर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये जाकर के कर्म बनेगा, अब ये खींच करके लिया, अब ये किससे लिया है, किस किस प्रक्रिया से लिया है, अब यहाँ पर आकर के ये कर्म बनेगा। यूं घर के डब्बे में आटा पड़ा है, आप जाकर के बेलन घुमा दोगे रोटी बन जाएगी साहब? नहीं बने। तो उसके लिए कोई प्रक्रिया है। मैं पहले को कह चुका हूं, दूध में से घी बनाना है कोई प्रक्रिया है। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया था? पहले जो है, सबसे पहले की बात, बिना उसके नहीं बनेगा। आटे में से रोटी बनानी है तो कोई प्रक्रिया है तो बनेगा, नहीं तो नहीं। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु चौदह राजलोक में संसार में अनंत 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 सर्वत्र पड़े हैं। अब कोई इसको ग्रहण करने की क्रिया प्रवृत्ति करे तो वो अंदर आकर के कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां पर जीव आत्मा को कारणीभूत निमित्त बताया है। जो कर्म की क्रिया करनी है वो आत्मा को करनी है, तब जाके कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच करके अंदर आएंगे, तब वो कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आ रहा है ख्याल में आपको? ध्यान से समझिए। देखिए, मैं मेरा कर्तव्य पूरा करता हूँ, अगर आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और नहीं बनाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए जैन साहब, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज साहब, आपने ये कहा था कि आत्मा जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल लेती है वो उसको जो है उसकी शत्रु है, तो लेती क्यों है, वो क्या चीज है जो उसको प्रेरित करती है, वो आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया मेरे ख्याल से। नहीं किया है, आपके लिए बाकी रखा है, बोलिए। अच्छा सर, सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बोलिए नवीन भाई, इनको उत्तर दे सकते। जब आत्मा अपने गुणों के विपरीत आचरण करती है तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाते हैं, उससे कर्म बनता है। नहीं, वो लेती ही क्यों है जब उसको पता है कि उसका नुकसान होने वाला है? अभी एक दिन डिस्कशन रखेंगे, सबको पूर्व पक्ष उत्तर शब्द बैठकर डिबेट करना पड़ेगा, तभी ख्याल आएगा। जैन साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको बरोबर उत्तर देना आना चाहिए साथ। राहुल जी, शब्द इधर उधर छोड़ेंगे तो प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा, फिर डबल तकलीफ होगी जी। ये बरोबर प्रश्न पूछा है आज, सबसे पहले एलसी जैन साहब को प्रश्न सही पूछने के लिए इनको इनाम देना चाहिए, प्राइज देनी चाहिए। उत्तर की बात तो बाद में है, पहले प्रश्न तो अच्छा पूछा है, इसका तो प्राइज देंगे जी। बोलना चाहता था महाराज, कि कार्बन वर्गणा अपने आप में कर्म के रूप में कन्वर्ट नहीं होती, आत्मा में कर्ता भाव है, संसारी आत्मा राग द्वेष के कारण, टकसाय के कारण उसको कर्म के रूप में बांध लेती है, और इसको अपने महाराज द्रव्य कर्म और भाव कर्म की भी संज्ञा दे सकते हैं क्या यहाँ? हाँ बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये था, मैंने समझा था ऐसा कि पुद्गल परमाणु आठों वर्गणा में परिवर्तित होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस है या पुद्गल परमाणु आ जाते हैं? जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जब बिखर जाएगा
तब ये परमाणु वापस अलग हो जाएंगे। अरे भाई साहब, आपने ली श्वास ली तब ऑक्सीजन और छोड़ी तब कार्बन, क्यों? ये पर्याय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, आपने ली तब वो वर्गणा थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन जब आपने छोड़ दी तब अब वर्गणा नहीं रही है, अब कार्बन बन गई है सब। अब आपकी छोड़ी हुई कार्बन की स्वाद जो है विज्ञानी कह रहे कि पेड़ पौधे ले रहे हैं। अच्छी बात है भाई साहब। महावीर तो ना कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कोई भी जीव है तो औदारिक वर्गणा और श्वासोश्वास वर्गणा उसके लिए कंपल्सरी है, बिना उसके नहीं चलेगा। आहार तो उसका औदारिक वर्गणा का लेना है और बाद में जो है श्वासोश्वास वर्गणा से ही श्वास लेना है। अब पेड़ पौधे श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो फिर और क्या लेंगे श्वासोश्वास के लिए? श्वासोश्वास वर्गणा लेंगे। नहीं तो मेरा प्रश्न ये था कि पुद्गल परमाणु जो जिसमें कोई वो नहीं है उसमें से ये आठ वर्गणा कैसे बनती है? आपने ऐसा शब्द गलत क्यों किया? कोई गुण नहीं है ऐसा क्यों बोला? ओके ओके, आत्मा में चेंज करने की है। बिना गुण का द्रव्य होता ही नहीं है। सही बात है, मिथ्या। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि सभी परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श अपने 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 जो है वो तो कॉमन है, बिना उसके तो परमाणु परमाणु नहीं कहलाएगा। लेकिन अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन टूटता जा रहा है ना। हमने श्वास लेकर के कार्बन फेंकी है तो मतलब श्वासोश्वास वर्गना डिस्टर्ब हो गई। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। महाराज साहब, आत्मा निगोद से ही मिथ्यात्व में रहती है, इसके लिए कार्बन वर्गना विपरीत उसके गुण विपरीत होते हुए भी वो खींचती है, क्या ये सही है? बहुत बिल्कुल सही है साहब। जैन साहब देखिए, प्रमोद जी आपको उत्तर दे रहे हैं। हाँ चलो। आत्मा निगोद से ही मिथ्यात्व में रहती है तो मिथ्यात्व में रहने के कारण वो मिथ्यात्व में है, कार्बन वर्गना विपरीत गुण के होते हुए भी उसको ही खींचती है। ठीक है, कुछ ठीक लग रहा है ऐसा प्रमोद जी, थैंक यू। पूरा पूरा आंसर नहीं लग रहा है, पूरा महाराज साहब से चाहेंगे। वही 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 बरोबर बरोबर, पूरा देंगे साहब, अभी कल देंगे कल क्या। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, सोचिए थोड़ा विचार करते जाइए, ये आपको भी थोड़ा दिमाग का दही करना बहुत जरूरी है। ख्याल आया? मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जब आप सोचने लग जाओगे तो खुद आप विचार करते हो जाओगे। ये जरूरी है, ऐसे विषयों में खुद को चिंतन करना ही पड़ेगा। संसार में तो महाराज साहब हम हमेशा ही करते हैं, जो चीज विपरीत है उसको ही हम लेते हैं, जानते हैं कि इसमें नुकसान है, पैसा नुकसान देता है, फिर भी हम इकट्ठा करते रहते हैं, वो तो चीज है, वो तो स्वभाव है। महाराज साहब इस टाइप के प्रश्न तो मेरे सीए फाइनल में भी नहीं आए। सीए फाइनल में ऐसे प्रश्न नहीं आए। सही बात, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन तो है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग थोड़ा चिंतन मनन करने लगी है। देखिए अब आप कोई नए एलकेजी वाले नहीं है, साल डेढ़ साल दो साल बीत रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सोचना चिंतन मनन करना चाहिए साहब। अब क्या है कि जो होमवर्क करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता। ये बात भला साहब, हमारे क्वेश्चन से ही लगता है कि आपने हमारे अंदर कुछ डाल दिया है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा है। साहब जी इसको अच्छी तरह समझने के लिए ना एक परमाणु की क्लास होनी चाहिए, मेरा तो बहुत मन है उसको समझने का, डिटेल में समझने के लिए, खाली परमाणु को। बहुत अच्छा है, करेंगे करेंगे। नमो हरियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो विच्छायानम, नमो लोहे सब एसो पंच नमकारो सर्व पाप पुनासम मंगलानम सर्वे सिंपरमं भवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरौ, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्रोदम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम,
हरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पन्न तो दम्मो लोग उत्तमा चतारी शरणम भवज्जामि हरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहू शरणम भवज्जामि केवली पन्नतम दम्मम शरणम भवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जयनम जयति शांति।